आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हलवा स्टाइल गाजर का हलवा। गाजर का हलवा अक्सर हम सर्दियों में बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है, लेकिन जैसा शादियों में या पार्टियों में हम खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। आज हम बिल्कुल वैसे ही बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली है, जिसको अच्छे से मैंने छील लिया है, धो लिया है। और हमारे यहाँ थोड़ी सी ऑरेंज कलर की गाजर हैं, अगर आपके पास लाल हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो जो मोटे वाली साइड है कद्दूकस में, उसी साइड से हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं और बिल्कुल ध्यान से करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह हम सारी गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। तो गाजर को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1/4 कप हम घी डाल रहे हैं, यानी कि चम्मच से मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 3 से 4 बड़े चम्मच ये घी है। तो अब हम इसमें गाजर डाल लेते हैं और गाजर को घी में अच्छे से भून लेंगे करीब करीब 5 से 6 मिनट के लिए। गाजर को अगर हम स्टार्टिंग में घी में भूनते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है और इसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। तो गाजर को लगातार चलाते हुए हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अगर घी की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 चम्मच और डाल लेंगे। तो देखिए इसे भूनते हुए करीब करीब 5 से 6 मिनट हो गया है और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम यहाँ दूध डालेंगे। तो ये मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, जिसको अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लिया है और इसमें मलाई आ गई है, तो वो ही मैंने दूध इसमें डाल लिया है। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो आप वो ही लीजिए। तो इसे पका लेंगे अच्छे से, जब तक कि दूध अच्छे से ख़त्म ना हो जाए और गाजर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो करीब करीब इसे 10 मिनट हम और पका लेंगे। तो यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे दूध ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और ये पहले से सॉफ्ट भी हो गई है। और इसे पकाते हुए करीब करीब 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 किलो मैंने गाजर ली है तो उसके लिए 1 कप हम चीनी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा गाजर ले रहे हैं तो उसी अनुसार आप इसमें चीनी डाल लीजिए। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें चीनी मेल्ट होने में बिल्कुल अच्छे से पानी छोड़ देती है, तो ये पतला हो जाएगा। तो इसे हम करीब करीब 10 मिनट और पका लेंगे। देखिए इसे पकाते हुए करीब करीब 4 से 5 मिनट हो गई है और ये बहुत पतला हो गया है क्योंकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब पानी बिल्कुल अच्छे से ख़त्म होने तक इसे पकाना है। देखिए पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इसे और पका लेंगे। तो अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। तो ये 1 चम्मच मैंने मेलन सीड लिए हैं, इसे हम भून लेंगे हल्का सा जब तक ये फूल ना जाए। तो ये अच्छे से फूल गए हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसी पैन में 2 चम्मच मैंने घी डाल लिया है, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट हम डाल लेते हैं, काजू बादाम और थोड़े से मैंने यहाँ पिस्ता लिए हैं। इसे हम रोस्ट कर लेंगे करीब करीब 2 मिनट के लिए, जिससे इनमें बहुत ही अच्छा क्रंच आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे। देखिए अच्छे से भून लिए हैं मैंने, अब निकाल लेंगे इसे प्लेट में, हलवे को चेक करेंगे। देखिए पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब हम इसमें मावा डाल लेते हैं। तो 200 ग्राम मैंने मावा लिया है, ये मैंने घर में ही बनाया है, तो ये डाल लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं तो आप 1 किलो गाजर के लिए 3 लीटर दूध ज़रूर लें।
जो बच गया है उसे भी डाल लेते हैं। और मावा बनाते टाइम मैंने इसमें एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया था और मैंने इसमें चीनी भी डाल ली थी, तो ये मीठा है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, मिला लेंगे अच्छे से। और अब मेलन सीड डाल लेंगे इसमें, और मेलन सीड डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम। तो हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने प्लेट ली है, इसमें डाल लेते हैं हम। बहुत ही अच्छा एकदम खुशबूदार हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। इलायची पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मैंने मावा निकालते टाइम उसमें डाल लिया था इलायची पाउडर। आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो इसे फैला लेंगे अच्छे से। और अब जिसमें हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था उसी पैन में हमने 200 ग्राम और मावा डाल लिया है। इसे हम पका लेंगे करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि मावे को अगर हम जितना पकाएंगे उतना उसका टेस्ट बढ़ता जाएगा। तो इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे और 1 चम्मच हम इसमें चीनी डाल लेंगे ताकि ये जल्दी से पतला हो जाए, क्योंकि हम इसको हलवे पर लगाने वाले हैं, यानी कि उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने वाले हैं। तो इसे अच्छे से पका लेंगे। चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि पहले भी इसमें चीनी डाल ली थी हमने। अब इसे गाजर के हलवे पर फैला लेंगे अच्छे से। शादियों में या पार्टियों में बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताऊं। अब इस पे हम चांदी वर्क लगा देंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप लगा लीजिए, नहीं तो इसके बगैर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और थोड़े से हम ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम जैसे शादियों में या फिर पार्टियों में हम खाते हैं, एकदम ऐसा रसीला मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे घर पर बना सकते हैं एकदम आसानी से। और अब हम इसे सर्व करेंगे जैसे हमें शादियों में या पार्टियों में मिलता है, बिल्कुल इसी तरह। तो चलिए सर्व कर लेते हैं अच्छे से। तो ये लीजिए, गाजर का हलवा बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और एकदम खुशबूदार। आप चाहे जैसे इसे खा सकते हैं, अगर आपको गरम गरम पसंद है तो आप गरम खा लीजिए, या फिर ठंडा करके आप खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।